अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीशा। मैं पॉलिटिकल साइंस पार्ट वन का पहला पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिक्स। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं पूछ लूँ कि ऑनलाइन है या नहीं है, फिर हम इसको बकायदा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एमए पॉलिटिकल साइंस, तो पहले पॉलिटिकल साइंस को समझ लें कि क्या है दुनिया के। इसके अंदर हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे, सारी पॉलिटिक्स के हवाले से इसमें सवाल आ जाते हैं। और जो इसका सबसे पहला पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। उसमें सबसे ज़्यादा सप्लीज लगती हैं। ठीक है, सप्ली लगने की वजह ये होती है कि इसको लिखने का तरीकाकार होता है, इसको एक मेथड है जिससे हम इसको अटैम्प्ट करते हैं। अगर आप वो तरीका नहीं समझेंगे और उसको उस तरीके के साथ अटेम्प्ट नहीं करेंगे सवाल को, तो आपकी सप्ली आ जाएगी, बेशक आप जितना मर्जी अच्छा लिख कर आए। हर सवाल को शुरू करने का, देखिए ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो उसमें हमारा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और होता है, और मास्टर्स लेवल में जो हमारा पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीकाकार होता है तो उसका तरीकाकार हमारा कुछ और होता है। पेपर बीए में तो हम जस्ट ऐसे ही सवाल होता था और हम उसको जैसे लिख देते थे, उसमें पैराग्राफ बना देते थे बस। जबकि जो एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर है या मास्टर्स लेवल का कोई भी पेपर है, उसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आउटलाइन बनानी है। सबसे पहले आपने आउटलाइन बनानी है, सबसे पहले आपने आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन के अंदर सारी डिटेल्स में पहले आउटलाइन बना देंगे और उसके बाद उसको एक एक करके उसको डिफाइन करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि मुझे ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया और अब मैं उसको लिखना लग रहा हूँ। अगर आपसे उससे मुतल्लिक अगर आपको पैराग्राफ्स आते हैं और चार्ट्स बनाने आते हैं, मैप बनाना आता है, पाकिस्तान का मैप हो गया आपको आना चाहिए, अशार आयात हदीस कुछ भी आता हो, तो आप पॉलिटिकल साइंस के इस पेपर में लिख सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने नहीं लिखना। इसके अंदर आप दो तरह के मार्कर्स यूज करेंगे, ब्लैक एंड ब्लू कलर का, और इसी तरह अगर आप पेन भी दो कलर के यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मेन हेडिंग्स ब्लू कलर से लिखें और जो सब हेडिंग लिखेंगे वो ब्लैक कलर से लिखेंगे। इस तरह जो हमारा पेपर का प्रेजेंटेशन है बड़ी अच्छी इफेक्ट होगी और हमारे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की मैं बात करूं तो ये दो एक ही सवाल है, कुछ सवाल मैचिंग में आएंगे। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे आप कहेंगे कि तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका लिखने का तरीका ये मुख्तलिफ होगा कि जब आप वेस्टर्न का पेपर पढ़ना शुरू करेंगे या लिखना शुरू करेंगे तो आप वेस्टर्न में चले जाएंगे, मगरिब में चले जाएंगे। मगरिब में जाने से आप जो है क्या नाम अंग्रेजों की तरह सोचेंगे, अंग्रेजों की तरह लिखेंगे कि उस दौर के मुफक्किर थे, उन्होंने जो जो बातें की आपने उसी तरीके से लिखना है। आपने अपनी शख्सियत को, आपने अपने पहलू को, आपने अपने मुसलमान होने के जो पहलू है उसको एक तरफ साइड पे रख देंगे और सारा का सारा अरिस्टोटल बन जाना है आपने, प्लेटो बन जाना है, जैन बुद्धीन बन जाना है, बेंथम बन जाना है, आपने उस तरीके से उसको लिख कर आना है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें क्रिटिकल एनालिसिस आएगा। अच्छा, तो इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन होते हैं मगरबी लिहाज से आप लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा चलेगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था, उसके बाद जो सवालों की लिस्ट है उसके बाद हम इसके जो सवाल है वो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।